इसके बाद बिल्डिंग के पीछे से एक काफी बड़ा जायंट बाहर आता है। सोफी उस जायंट को देख चुकी थी और वो भी सोफी को देख चुका था। उसे देखकर वो डर जाती है और जल्दी से अपने बिस्तर पर चली जाती है, लेकिन वो जायंट विंडो से हाथ अंदर डालकर सोफी को उठा लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। हम देखते हैं कि ये जायंट इंसानों के सामने नहीं आता था, और जब उसके रास्ते में कोई इंसान आता था तो वो किसी न किसी तरह खुद को छुपा लेता था और फिर सबकी नजरों से बचते हुए वहाँ से निकल जाता है। फिर वो सोफी को भी अपने साथ लेकर एक दूसरी दुनिया में आ जाता है, और ये दुनिया थी जायंट्स की दुनिया, यानी यहाँ पर सिर्फ जायंट्स रहते थे। सोफी देखती है कि ये तो एक काफी बड़ा घर है और वहाँ की हर एक चीज जायंट्स की तरह ही बड़ी थी। सोफी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, जिस पर वो जायंट कहता है कि यहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नहीं है, इसीलिए तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती। ये सुनकर वो डर जाती है। वो नोटिस करती है कि ये एक बूढ़ा जायंट है। वो जायंट सोफी को एक पैन पर रख देता है और बोलता है कि मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे इतनी भूख लग रही है कि मुझसे वो कंट्रोल ही नहीं हो रही है। सोफी समझ रही थी कि ये जायंट मुझे ही खाने वाला है। वो वहाँ पर और भी जायंट्स के हंसने की आवाजों को नोटिस करती है, इसीलिए वो उस बूढ़े जायंट से पूछती है कि क्या यहाँ पर और भी जायंट्स हैं, जिस पर वो बूढ़ा जायंट कहता है कि जी हाँ, यहाँ पर और भी जायंट्स हैं और वो सारे जायंट्स कैनिबल हैं, यानी वो इंसानों को कच्चा ही खा लेते हैं क्योंकि उन्हें किसी भी इंसान पर तरस नहीं आता, और जो भी उनके हाथ लग जाता है वो उस इंसान को निगल जाते हैं। ये सुनकर सोफी और ज्यादा डर जाती है, इसीलिए वो बूढ़े जायंट से पूछती है तो क्या आप भी मुझे खा लेंगे, जिस पर वो बूढ़ा जायंट कहता है कि नहीं, मैं इंसानों को नहीं खाता क्योंकि मैं एक वेजिटेरियन जायंट हूँ, ना कि कैनिबल। और ये बूढ़ा जायंट सिर्फ एक वेजिटेबल ही खाता है जो टेस्ट में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो इंसानों को खाना नहीं चाहता, और इससे ये बात जाहिर होती है कि वो एक अच्छा और रहम दिल जायंट है। वो उस बूढ़े जायंट से पूछती है कि अगर आप इंसानों को नहीं खाते तो फिर आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं, जिस पर वो बूढ़ा जायंट कहता है क्योंकि तुमने मुझे देख जो लिया था और तुम मेरे बारे में वहाँ पर किसी को बता देती जिससे मेरी जान खतरे में पड़ सकती थी, जिससे इंसानों को हमारा पता चल जाता और वो यहाँ पर आ जाते और बाकी जायंट्स को भी मार डालते, और यही वजह है कि मुझे तुम्हें यहाँ पर लाना पड़ा और अब तुम अपनी सारी जिंदगी यहाँ पर मेरे साथ ही गुजारोगी। जिस पर सोफी कहती है कि नहीं, मैं तो यहाँ से भाग जाऊंगी, जिस पर वो बूढ़ा जायंट कहता है कि नहीं, तुम यहाँ से निकलने की गलती भी मत करना वरना बाहर बैठे जायंट्स को तुम पर तरस नहीं आएगा। ये कहकर वो बूढ़ा जायंट सोफी को एक बोट पर रख देता है और उसे कहता है कि तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो, लेकिन सोफी को तो नींद ही नहीं आती थी। फिर वो देखती है कि वो जायंट अपने बैग से बड़ी बड़ी बॉटल्स निकाल रहा है, उन बॉटल्स में कोई चीज थी जो चमक रही थी। फिर वो उस जायंट से पूछती है कि इन बॉटल्स में क्या है, जिस पर वो जायंट कहता है कि इसमें ड्रीम्स हैं, यानी ख्वाब। जिस पर वो कहती है अच्छा, फिर तो ये मेरे किसी काम की नहीं है क्योंकि मुझे तो ड्रीम्स आते ही नहीं है, और मुझे ड्रीम्स आएंगे भी कैसे क्योंकि मुझे तो नींद ही नहीं आती। फिर ये जायंट वो वाली बुक पढ़ने लगता है जो सोफी के पास थी। इस बुक में बहुत सारी कहानियां लिखी हुई थी। बूढ़ा जायंट उन कहानियों को पढ़ने लगता है, जिस पर सोफी को नींद आ जाती है। इसके बाद वो बूढ़ा जायंट एक बॉटल लेता है और उसमें से एक ड्रीम बाहर निकालता है। इतनी ही देर में सोफी की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि वो बूढ़ा जायंट अभी सो रहा है, इसीलिए वो मौके का फायदा उठाकर उस घर से बाहर निकल जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे एक काफी बड़ा जायंट पकड़ लेता है और ये सच में उस बूढ़े जायंट की निस्बत काफी बड़ा जायंट था। सोफी उस जायंट को कहती है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन वो जायंट सोफी की एक नहीं सुनता और वो उसे निगल जाता है। इसके फौरन बाद सोफी की आंख खुल जाती है। इसका मतलब ये था कि सोफी एक ड्रीम देख रही थी। जागने के बाद वो उस बूढ़े जायंट से पूछती है कि मुझे पता है ये आपने किया है ना, क्योंकि ना तो मुझे नींद आती है और ना ही मुझे ड्रीम्स आते हैं, लेकिन आपने ये जो मुझे ड्रीम दिखाया है ये तो बहुत डरावना था। जिस पर वो जायंट कहता है कि मुझे ऐसा करना पड़ा और मैंने ऐसा इसीलिए किया है ताकि मैं तुम्हें ये बता सकूं कि बाहर तुम्हारे लिए कितना खतरा है, इसी वजह से तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम यहीं पर ही रहो। बूढ़ा जायंट सोफी को समझाता है कि यहां पर जो जायंट्स हैं ना वो मुझसे साइज में काफी बड़े हैं और मैं तो उन जायंट्स के सामने कुछ भी नहीं हूं क्योंकि मैं छोटा सा जायंट हूं और बूढ़ा भी हूं। अभी वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर एक काफी बड़ा जायंट अंदर आ जाता है और वाकई ही ये उस बूढ़े जायंट की निस्बत काफी बड़ा था। वो जायंट आते ही बूढ़े जायंट से पूछता है कि बताओ तुम किससे बात कर रहे थे बोने। अब यहाँ पर सारे जायंट्स बूढ़े जायंट को बोना कहते थे क्योंकि वो साइज में सबसे ही छोटा था। बूढ़ा जायंट जवाब देता है कि नहीं तो मैं तो किसी से बात नहीं कर रहा था। इसी दौरान सोफी भी कहीं पर छुप जाती है। इस बड़े जायंट के हाथ पर चोट लगी थी इसीलिए वो पट्टी करवाने के लिए बूढ़े जायंट के पास आया था। अब क्योंकि वो जायंट कैनिबल था इसी वजह से उसे उस घर में से इंसान की खुशबू आती है, इसीलिए वो वहाँ पर पड़ी हर एक चीज को देखने लगता है। तभी सोफी उस सब्जी के अंदर चली जाती है जो वो जायंट खाता था, और जब वो जायंट उस सब्जी को स्मेल करता है तो उसे उसमें से इंसान की खुशबू आती है। आज से पहले इस जायंट ने कभी भी ये सब्जी नहीं खाई थी, लेकिन आज उसे इस वेजिटेबल में से अच्छी खुशबू आ रही थी, इंसान की खुशबू आ रही थी क्योंकि उसमें सोफी जो थी, इसीलिए वो जायंट उसे खाने लगता है। ये देखकर वो बूढ़ा जायंट कहता है कि रुको, तुम ये नहीं खा सकते, क्या तुम भूल गए हो कि तुम वेजिटेबल्स नहीं खाते। जिस पर वो जायंट कहता है कि हाँ, मैं ये बात कैसे भूल गया कि मैं तो सब्जियां खाता ही नहीं हूं, इसीलिए वो सब्जी को फेंक देता है और सोफी की जान बच जाती है। इसके बाद वो जायंट
जॉइंट वहाँ से चला जाता है। फिर उस बूढ़े जॉइंट को कहीं पर जाना था और सोफी उससे पूछती है कि आप कहाँ पर जा रहे हैं, जिस पर वो बूढ़ा जॉइंट कहता है कि मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ। वो पूछती है कि कौन सा जरूरी काम, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताता। फिर वो सोफी की काफी फोर्स करने पर उसे बता ही देता है कि मैं ड्रीम्स को पकड़ने जा रहा हूँ। फिर सोफी उसे काफी कहती है कि मुझे भी अपने साथ लेकर जाइए, लेकिन वो उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था क्योंकि बाहर जो जॉइंट सो रहे थे, अगर वो जा गए, उन्होंने सोफी को देख लिया तो बहुत बुरा होगा। इसी वजह से वो किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहता था, लेकिन सोफी उसे काफी इंसिस्ट करती है, इसीलिए वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए एग्री हो जाता है। जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वो सारे जॉइंट्स गहरी नींद सो रहे हैं, इसीलिए ये दोनों उनके बीच से ही गुजरना चाहते थे, लेकिन इतनी ही देर में उन सारे जॉइंट्स की आंख खुल जाती है और वो बूढ़े जॉइंट को परेशान करने लग जाते हैं कि बोले तुम कहां पर जा रहे हो, जिस पर वो कहता है कि मैं तो अपने काम पर जा रहा हूं। जिस पर वो जॉइंट्स कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि तुम यहां से निकलकर बाहर जाओ, इंसानों की दुनिया में जाओ, क्योंकि अगर इंसानों को हमारे बारे में पता चल गया तो हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी। वो सारे जॉइंट्स बूढ़े जॉइंट को बहुत ज्यादा तंग करते हैं और तभी मौके का फायदा उठाकर सोफी एक गाड़ी में छुप जाती है, लेकिन तभी बूढ़ा जॉइंट आसमान की तरफ इशारा करके कहता है कि वो देखो। सब देखते हैं कि आसमान पर बादल बने हैं और बारिश होने वाली है। असल में उन सारे जॉइंट्स को पानी से डर लगता था क्योंकि उन्हें वाटर फोबिया था, और तभी वहां पर बारिश होने लगती है और वो सारे जॉइंट्स जाकर छुप जाते हैं। तब मौके का फायदा उठाकर वो दोनों यानी बूढ़ा जॉइंट और सोफी वहां से ही चले जाते हैं। वो लोग माउंटेन्स पर चढ़ने लगते हैं, चलते चलते वो बादलों से भी काफी आगे निकल जाते हैं। सोफी कहती है कि यहां से तो देखने में ये स्टार्स बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। बूढ़ा जॉइंट कहता है कि मैं तो इनका म्यूजिक भी सुन सकता हूं। वो बताता है कि मैं इवन दुनिया की हर चीज की आवाज सुन सकता हूं। मैं चींटियों की आवाज सुन सकता हूं, कीड़े मकोड़ों की आवाज सुन सकता हूं, इवन मैं ट्रीज की कहानियां भी सुन सकता हूं। मेरे कान इतने तेज हैं कि दुनिया की हर आवाज को ही सुन सकते हैं। ये सुनकर सोफी कहती है कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा आपकी बातों पर। बूढ़ा जॉइंट कहता है कि यही सच है बेटा, तुम्हें मानना होगा। इसके बाद वो लोग एक लेक के पास पहुंच जाते हैं जिसके पास एक काफी बड़ा और खूबसूरत ट्री था। बूढ़ा जॉइंट पानी में कूद जाता है और उनके साथ सोफी भी कूद जाती है। दोनों फिर लेक के दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं और ये होती है ड्रीम्स की दुनिया, क्योंकि ड्रीम्स उस ट्री से यहाँ पर कतरों की तरह गिरते हैं और बूढ़ा जॉइंट इन्हें पकड़ने के लिए ही यहाँ पर आता है। फिर वो दोनों मिलकर बहुत सारे ड्रीम्स पकड़ लेते हैं। इन ख्वाबों में अच्छे और बुरे दोनों ड्रीम्स ही थे। इन ड्रीम्स को पकड़कर फिर ये लोग वापस जाने लगते हैं। ये दोनों अब एक दूसरे के काफी अच्छे फ्रेंड बन गए थे और एक दूसरे के साथ काफी खुश थे। बूढ़ा जॉइंट उसे अपनी दुख भरी कहानी भी सुनाता है कि यहाँ पर सारे जॉइंट्स मुझे बोना कहते हैं, लेकिन फिर वो एक बात सोचकर खुश हो जाता है कि मुझे यहाँ पर कोई ऐसा भी मिला था जो मुझे बिग फ्रेंडली जॉइंट कहता था। ये सुनकर सोफी कहती है तो आज से मैं भी आपको बिग फ्रेंडली जॉइंट यानी BFG ही कहूंगी। ड्रीम्स पकड़ने के बाद ये लोग सिटी में घूमते फिरते हैं जहाँ पर बच्चे अपने अपने घरों में सो रहे होते हैं और बिग फ्रेंडली जॉइंट यानी BFG उन्हें नींद में बहुत अच्छे अच्छे ड्रीम्स देता है ताकि लोगों को उनके ड्रीम्स में खुशियाँ मिल सके। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि BFG एक बहुत ही अच्छे दिल का जॉइंट है जो ड्रीम्स की दुनिया से ड्रीम्स लाकर लोगों को देता है ताकि सोते हुए ही सही ये उन लोगों की जिंदगियों में खुशियां तो ला सके। सोफी पूछती है कि ड्रीम्स के बारे में आपको क्या आपके पेरेंट्स ने बताया था, जिस पर वो जॉइंट यानी BFG कहता है कि जॉइंट्स के पेरेंट्स नहीं होते। फिर वो BFG से उसकी एज पूछती है कि आपकी उम्र कितनी है। BFG जवाब देता है कि जितनी उम्र इस दुनिया की है उतनी ही मेरी है, यानी जब से ये दुनिया बनी थी तब से ये जॉइंट्स भी बन गए थे, लेकिन ये इस दुनिया में ही इंसानों से छुप कर रहते हैं दीवारों के पीछे। फिर वो दोनों वापस जाने लगते हैं। सोफी अचानक पूछती है कि मेरा ब्लैंकेट कहां पर है। असल में सोफी का ब्लैंकेट जॉइंट्स की दुनिया में ही रह गया था और इस बात की वजह से BFG परेशान हो जाते हैं, इसीलिए वो सोफी को कहते हैं कि अब मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता क्योंकि अब तक उन जॉइंट्स को पता चल गया होगा कि मेरे साथ कोई इंसान भी है। और यहाँ पर BFG सोफी को एक बात बताता है कि बहुत सालों पहले मुझे एक बच्चा मिला था और वो भी इतना ही प्यारा और इनोसेंट था जितनी कि तुम हो, और तुम्हारी तरह उसने भी मुझे देख लिया था। इसी वजह से मैं उस बच्चे को भी जॉइंट्स की दुनिया में ले गया और उसी बच्चे ने मुझे पढ़ना सिखाया। और ये जो जैकेट तुमने पहन रखी है ये मेरे उसी मासूम छोटे से फ्रेंड की है, लेकिन इससे पहले कि मैं उस बच्चे को उसकी दुनिया में वापस लेकर आता काफी देर हो चुकी थी और मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता कि जो उस बच्चे के साथ हुआ है मेरे उस दोस्त के साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ भी हो, क्योंकि तुम भी तो मेरी एक दोस्त ही हो ना। इसीलिए वो सोफी को वहीं पर छोड़कर वहाँ से जाने का फैसला करता है। हालांकि सोफी उन्हें काफी मना करती है यहाँ रुकने पर और उसके साथ चलने की जिद करती है, लेकिन वो जॉइंट इस बार उसकी बात नहीं मानता। तब BFG उसे अजाइला में छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। अब क्योंकि सोफी वहाँ पर रुकना नहीं चाहती थी इसीलिए वो बालकनी से कूद जाती है, क्योंकि उसे पता था कि BFG उसे बचा लेंगे। और होता भी ऐसा है,
BFG उसे बचा लेता है और इसीलिए ना चाहते हुए भी उसे सोफी की बात माननी पड़ती है। इसी वजह से वो उसे जायंट्स की दुनिया में दोबारा से ले आता है, जहाँ पर बाकी जायंट्स पहले ही उन लोगों के लिए वेट कर रहे थे, क्योंकि सारे जायंट्स जान चुके थे कि बूढ़े जायंट के पास कोई इंसान है। इसीलिए सारे जायंट्स अब जानना चाहते थे कि वो इंसान कौन है, कहाँ पर है। इसीलिए वो ब्लैंकेट की खुशबू की मदद से BFG के घर को चेक करते हैं और सारे सामान की तोड़ फोड़ कर देते हैं, लेकिन BFG उस ब्लैंकेट को जला देता है जिसमें सोफी की खुशबू थी। फिर वो उन सारे जायंट्स को अपने घर से जाने के लिए बोलता है। सोफी वहाँ दीवार पर लगी एक पिक्चर को देखती है जो कि प्रिंसेस की पिक्चर थी। उस पिक्चर को देखकर सोफी को एक आइडिया आता है और वो BFG को कहती है कि आप प्रिंसेस के लिए एक ड्रीम बनाएं और उस ड्रीम में आप ये बताना कि जायंट्स की एक दुनिया पाई जाती है इसी दुनिया में और वो सारे जायंट्स इतने खतरनाक है कि बच्चों को मारकर खा लेते हैं और इसी ड्रीम में आप हम दोनों को भी शामिल कर लेना ताकि जब हम प्रिंसेस के सामने जाएं तो वो हमें पहचान ले। ये सुनकर BFG ऐसा ही करता है और वो जायंट्स की दुनिया में रहने वाले सारे जायंट्स का एक ड्रीम बनाता है और वो उस ड्रीम में खुद को और सोफी को भी डाल देता है और साथ साथ वो सिटी के बहुत सारे मिसिंग बच्चों को भी डाल देता है। फिर वो उस ड्रीम को लेकर प्रिंसेस के घर के पास चले जाते हैं और ये प्रिंसेस की नींद में वो ड्रीम डाल देते हैं और प्रिंसेस वो सब कुछ देख लेती है जो ये प्रिंसेस को दिखाना चाहते थे। प्रिंसेस की जब आंख खुलती है तो वो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है क्योंकि ये एक डरावना ड्रीम था, क्योंकि जायंट्स बच्चों को खा रहे थे। प्रिंसेस इस ड्रीम के बारे में अपने केयर टेकर को भी बताती है, जिस पर वो केयर टेकर कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, ये आपका सिर्फ एक डरावना ड्रीम था। लेकिन जब वो न्यूज़पेपर पढ़ती है तो कहती है कि ये तो बहुत अजीब बात हो गई, क्योंकि कल रात बहुत सारे बच्चे मिसिंग हो गए थे अपने अपने घरों से और ये सेम वैसा ही हुआ है जैसा आपने ड्रीम देखा है। तभी प्रिंसेस कहती है कि पर्दे हटाओ और पर्दे हटाते ही विंडो पर सोफी खड़ी हुई थी। असल में ये चीज भी उन्होंने ड्रीम में डाल दी थी और उसमें BFG को भी डाल दिया था। तब सोफी उन्हें BFG के बारे में बताती है और साथ साथ वो प्रिंसेस से प्रॉमिस भी लेती है कि आप मुझसे वादा करें कि आप BFG को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। तब BFG प्रिंसेस के सामने आता है और तमीज से उनके सामने झुक जाता है। तब प्रिंसेस भी अपने प्रॉमिस को पूरा करती है। अच्छा, यहाँ पर जॉइंट्स की ना एक फनी बात भी थी कि वो किसी भी वर्ड को ठीक से नहीं बोलते थे, इसीलिए वो महारानी को मरजानी कहता था। BFG इंसान को इंसान कहता था और ऐसे ही उल्टे सीधे लफ्ज बोलते थे। इसके बाद प्रिंसेस उनका अच्छे से वेलकम करती है और उन्हें एक काफी अच्छी दावत देती है। फिर ये लोग सारी बात प्रिंसेस को बता देते हैं कि जायंट्स की दुनिया में 9 बड़े बड़े जायंट्स ऐसे हैं जो इंसानों और बच्चों को पकड़ कर खा लेते हैं। इसीलिए प्रिंसेस उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है और अपनी एक पूरी आर्मी तैयार कर लेती है, जो कि BFG की मदद से अपने हेलीकॉप्टर्स में बैठकर जायंट्स की दुनिया के लिए निकल जाते हैं। अब इन्होंने यहाँ पर एक प्रॉपर प्लान बनाया हुआ था, इसीलिए वो प्लान के मुताबिक एक जगह पर रुक जाते हैं क्योंकि ये पूरी तैयारी के साथ उन पर अटैक करने के लिए आए थे। प्लान ये था कि BFG एक ड्रीम बनाएंगे और उस ड्रीम में BFG इन जायंट्स के लिए शर्मिंदगी और पछतावा डालेंगे उनके बुरे कामों के लिए जो उन्होंने किए थे, और BFG ऐसा ड्रीम बना भी लेता है। लेकिन जैसे ही BFG ड्रीम्स को उन जायंट्स में डालने के लिए जाता है, तब उन्हें याद आता है कि ड्रीम डालने वाली चीज तो मैं प्रिंसेस के महल में ही छोड़ आया हूँ और उस चीज के बगैर ऐसा करना रिस्की था क्योंकि उन जायंट्स के पास जाना था। लेकिन सोफी हिम्मत करके उस ड्रीम वाले जार को उस जगह पर लेकर चली जाती है जहाँ पर वो जायंट्स सो रहे थे। लेकिन इससे पहले कि सोफी उस जार को तोड़ पाती, उन जायंट्स का लीडर उठ जाता है और वो जैसे ही सोफी को पकड़ने वाला होता है, सोफी उस जार को तोड़ देती है और ये ड्रीम उन जायंट्स की नींद में चला जाता है जो अभी सो रहे थे। और जब वो जायंट्स जागते हैं तो उन्हें अपने बुरे काम पर शर्मिंदगी होती है, लेकिन जो जायंट्स का लीडर था वो तो जाग रहा था, इसीलिए उसे कोई भी पछतावा और शर्मिंदगी नहीं होती और इसीलिए वो सोफी पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी BFG उस जायंट के सामने आ जाते हैं। अब क्योंकि BFG बहुत छोटे थे, इसीलिए वो जायंट उन्हें अपने हाथ में उठा लेता है। लेकिन जैसे ही वो BFG को मारने लगता है, प्रिंसेस की पूरी आर्मी हेलीकॉप्टर्स के साथ वहाँ पर आ जाती है और वो लोग सारे जायंट्स को पकड़ कर अपने साथ ले जाते हैं और उन्हें समंदर के बीच में एक आइलैंड पर छोड़ दिया जाता है। अब क्योंकि इनके चारों तरफ पानी था और ये तो पानी से डरते थे, इसीलिए वो वहाँ से भाग नहीं सकते थे और इसीलिए अभी हमेशा के लिए यहाँ पर फंस गए हैं। प्रिंसेस उन जायंट्स के लिए वहाँ पर सब्जी के बीज भी फेंक देती है ताकि ये जायंट्स उन बीजों की मदद से वहाँ पर सब्जी उगाएं और सारी जिंदगी ये वो सब्जी ही खाएं। अब क्योंकि उन जायंट्स को ये सब्जी पसंद नहीं थी, लेकिन अब ना चाहते हुए भी उन्हें ये सब्जी खानी पड़नी थी और पूरी जिंदगी इसी आइलैंड पर रहकर ये सब्जी ही खानी है। इसके बाद हम सोफी को देखते हैं जो बजाइला में नहीं रहती बल्कि प्रिंसेस के महल में रहती है और यहाँ पर सोफी बहुत खुश होती है और वो जब चाहे BFG से बात भी कर सकती है, क्योंकि BFG ने बताया था कि वो इस दुनिया की सारी आवाजें सुन सकते हैं। दूसरी तरफ BFG जो कि अब जायंट्स की दुनिया में बिल्कुल अकेले रह गए हैं, जिन्होंने जायंट्स की दुनिया में उस सब्जी के अलावा और भी बहुत सारी वेजिटेबल्स उगा ली हैं और वो भी अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। सोफी हर सुबह जाकर विंडो पर आती है और BFG को गुड मॉर्निंग कहती है, जिसे BFG सुन लेते हैं और उसका जवाब देते हैं और ये प्यारी सी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।